ये राजपूती संस्कृति में इसे कहीं भी घूमर नहीं कहा जा सकता। राजपूती संस्कृति के अंदर घूमर इस तरह से नहीं होता, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। उसके अंदर जो भी अभिनेत्री दिखाई गई है, दीपिका जो दिखाई गई है, वो इस तरह से लग रही है जैसे कि वो गणिका हो। दरबार के अंदर राजपूत स्त्रियां कभी भी नहीं इस तरह से नृत्य करती। अगर वो करती भी हैं, घर के अंदर करती हैं, और उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता, ये घूमर नहीं है। ये राजपूती संस्कृति में इसे कहीं भी घूमर नहीं कहा जा सकता। घूमर के नृत्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये घूमर नृत्य छत्राणियां पब्लिकली सार्वजनिक रूप से नहीं करती हैं। जब भी कभी देव स्थान पर या घर के अंदर शादी विवाह में किया जाता है, आइए आप कभी राजपूताने की किसी राजपूत की शादी में आप देखिए, यदि कोई पारिवारिक सदस्य आपका है ऐसा इतना क्लोज, तो हो सकता है आपको देखने को मिले। वो घूमट घूमट तो होता ही घूमट से है, उसमें अंग प्रदर्शन का और शरीर प्रदर्शन की तो कोई जगह ही नहीं है। पर वो कहते हैं कि चूहे का जाया तो बिल्ली खोदेगा। अब दीपिका पादुकोण जैसी यदि रानी पद्मनी बनेगी, उसको क्या पता कि कैसे होते हैं छत्राणी। वो तो कूदेगी, उछलेगी, वो तो ये कालबेलिया डांस ऐसा करेगी जैसे कोई मुजरा कर रही हो। रानियां इस तरीके का डांस करेंगी, ये तो बड़ी शान की बात है। कल एक वीडियो जारी किया है जो भांड भंसाली जी हैं, जिन्होंने जारी किया है कि इस फिल्म में राजपूती मान मर्यादा के साथ कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है। भंसाली जी, ये नाटक बंद कीजिए। एक तो इसको राजपूती मान मर्यादा से मत जोड़िए, ये भारतीय स्वाभिमान और सनातन परंपरा की मर्यादा का सवाल है। ये हिंदू मुस्लिम की भी झगड़ा नहीं है, बल्कि स्वाभिमानी और स्वाभिमान के ऊपर आक्रांताओं की लड़ाई की बात है। घूमर घूमर घूमर।